हमीरपुर में हुई वृद्ध महिला स्वास्थ्य कर्मी की दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट और हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूट के सामान को भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की है। हमीरपुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मी पार्क के पास 58 वर्षीय शांति सोनी का घर था, जो इस घर में वो अकेले रहकर अपना जीवन काट रही थी। यह वृद्ध महिला स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मी के पद पर कार्यरत थी। बीते 4 अप्रैल को घर में चोरी के लिए घुसे चोरों ने शांति सोनी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और चोरी की घटना को देखकर फरार हो गए थे। शांति के तीनों लड़के घर से बाहर रहते हैं। वहीं सर्विलांस और सीसीटीवी के फुटेज से घटना को अंजाम देने वालों को पहचान कर आज पुलिस कप्तान ने इसका खुलासा कर दिया है। इसमें तीन अभियुक्त महुआ के रहने वाले सलीम, असलम और हरी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटे गए जेवरात में 4 किलो चांदी, 6 सोने के कंगन, 1 नथुनी मंगलसूत्र सहित 2100 रुपये बरामद किए गए हैं। इस तीनों लुटेरों का जनपद के विभिन्न थानों में कई लूट हत्या का प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। एक दोपहर में घटना हुई थी, जिसमें 2:30 बजे पता चला था कि एक महिला बुजुर्ग थी, जिसकी 69 साल उम्र थी, वो अपने घर में मृत पाई गई थी। मौके पर तत्काल हम लोग पहुंचे और देखा गया कि उसके सामान की भी लूटपाट की गई है। इस पर घटना को अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया था और हमें आज एक हफ्ते के अंदर इसमें सफलता मिल गई। इसमें तीन अभियुक्त हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो कि पकड़े गए हैं। सभी अभियुक्तगण महोबा के रहने वाले हैं, जिनके कि अच्छी आपराधिक इतिहास है। लगभग 4-5 लूट के मुकदमे प्रत्येक पे हैं और जनपद हमीरपुर में अन्य लूट की घटनाएं और चोरी घटनाओं को भी इन्होंने कबूला है, जिस पर टीमों को भेजा गया है और इनसे माल की बरामदगी की जा रही है। ये बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इस पे सूचना देने वाले जिन्होंने मुखबिरी की थी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, जिनके आधार पर इन लोगों ने, जिनकी सूचना पर इन लोगों ने घटना कायद की थी। घटना का अनावरण कर लिया गया है और टीम को 5,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सर, लूटों का कितना माल बरामद किया गया? लूटों का लूट गया हुआ माल में से 6 सोने के कंगन, 4 किलो चांदी और कैश अभी तक बरामद हो चुका है। TV100 के लिए शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट।